फाइनली आपका इंतज़ार जो है ख़त्म हो गया है एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट। जी हाँ, आप जो है इसके रिज़ल्ट का जो है वेट कर रहे हैं। आपको जो है लगातार एसएससी पे जो है नोटिस देखने को मिलने हैं, जैसे कि आपका 2 अगस्त को जो है इसमें आंसर की भी आई थी, जिसकी लास्ट डेट जो है 7 अगस्त थी। अगर आप ऑब्जेक्शन रेज उठाते हैं तो वो 7 अगस्त थी, वो भी जा चुकी है। तो अब मैं जो है बता देती हूँ कि आपका जो है रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस, अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना। तो बात करें मैं आपकी एसएससी एमटीएस के रिज़ल्ट की। जी हाँ, जिसकी पोस्ट जो है 7301 थी, और जिसमें जो है 2 पोस्ट यानी कि एमटीएस वालों ने जो कि 3698 पोस्ट थी, जो कि जिनकी एज 1825 थी, उन्होंने जो है फॉर्म फिलअप करे थे। वहीं 3603 वाले जो हवलदार वाले थे, जिनकी जो एज थी 18 से 27 साल थी, उन्होंने जो है फॉर्म फिलअप करे थे। तो उनका जो है फर्स्ट जो है एग्ज़ाम हो गया है, और टायर 2 की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है। ये आपको पता होगी, 6 नवंबर जो है आपका टायर 2 होने वाला है। तो अब रिज़ल्ट की बात कर ले रहे हैं गाइस। तो देखिए मैं आपको यहाँ को दिखा देती हूँ। तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब हो रही है, उस चीज़ को गाइज आप इग्नोर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं। आपने इसमें नोटिस में देखा होगा कि इस नोटिस में जो है आपकी डेट आई थी 6 नवंबर, आपका टायर 2 एग्ज़ाम है, और आपकी टायर 1 की जो है आंसर की अभी जो है 2 अगस्त को ही रिलीज़ हुई थी। ठीक है, तो अब मैं अगर आपके रिज़ल्ट की बात करूँ तो गाइज, जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम होने की 15 दिन बाद आपकी आंसर की आती है, और एग्ज़ाम होने की 1 मंथ बाद आपका रिज़ल्ट आता है। तो गाइस, आपका जो ये एग्ज़ाम है जो कि 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई को कंडक्ट हुआ था, तो आपकी जो है ये रिज़ल्ट इसी अगस्त के सेकंड वीक यानी कि 25 अगस्त तक आपका ये रिज़ल्ट आउट हो लेगा। जी हाँ, 25 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ लेगा। तो बहुत कम टाइम बचा है आपका टायर 1 का रिज़ल्ट आने में। कट ऑफ जो है उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो है क्वेश्चन आए थे टोटल रीजनिंग में 25 आए थे, जीएस में 25 आए थे, मैथ में 25 आए थे, इंग्लिश में भी 25 आए थे, टोटल क्वेश्चन आए थे 100। इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको बता देती हूँ क्या आपकी गाइस रहने वाली है। यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड वालों की जो है गाइस 85 जाएगी। ठीक है ना, 85 इनकी जाएगी। और बात ओबीसी वालों की करें तो इनकी जो है 75 जाएगी ओबीसी वालों की। गाइस, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि जब आप आंसर की को जो है जब मिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जो हैं कितने क्वेश्चन जो है गलत होके आते हैं। तो कट ऑफ में भी यही हिसाब रहता है, कट ऑफ पूरे क्वेश्चनों की जो है जो भी निगेटिव मार्किंग को कट कर ही बनती है। ठीक है, आपकी निगेटिव मार्किंग जो भी लगेगी, जैसे आपके टोटल 4 क्वेश्चन सही थे, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन जो है आपका गलत गया, तो उस पर कोई 0.25 की कट ऑफ होती है। तो इसी हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ जो है लगने वाली है गाइस। ठीक है ना, और आपके जगह यदि 4 क्वेश्चन गलत जाते हैं तो सीधा सा हिसाब है, आपका पूरा 1 नंबर जो है कट जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से कट ऑफ बनती है। तो मैंने बताया कि यूआर वालों की 85 रहेगी, ओबीसी वालों की 75 रहेगी, एससी वालों की 70 रहेगी, और एसटी वालों की गाइस 65 रहेगी। इस तक तो जो है आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और बाकी जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जो होगा वो गाइस आपकी जिसकी शिफ्ट का एग्ज़ाम हार्ड आया था उस शिफ्ट को जो है फ़ायदा हमेशा ही मिलता है नॉर्मलाइजेशन का। उनके जो है नंबर जो है बढ़ा कर देती है एसएससी, वरना इजी शिफ्ट को तो मिलता ही नहीं है कुछ। वैसे ज़्यादा नंबर तो नहीं देती है, पर 10-20 नंबर दे देती है। ये जो है डिपेंड करता है कि आप जो है किस शिफ्ट में हो, 10-20 नंबर देती है सिर्फ। और यह वही बात अगर हम सीजीएल वालों की करें तो सीजीएल वालों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलते हैं 50। ठीक है ना, बाकी के आपके एमटीएस हो, स्टेनो हो, चाहे जीडी हो, इनको जो है एएसएससी जो है सिर्फ 10 या 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देती है। तो इतना भी बहुत होता है, डूबते तो को तो तिनके का ही सहारा बहुत होता है ना, वही बात हो जाती है। जो 1-2 नंबर से रह रहा, अगर उसे एक साथ 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल जाए तो उसकी जो है मेहनत रंग ले आती है। वो टायर 2 के लिए फिर मेहनत करता है, और जो फर्स्ट सीढ़ी पर ही उसके कदम रुक जाए तो कैसे वो सेकंड सीढ़ी चढ़ पाएगा। तो गाइज, ऑल द बेस्ट, आपके रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं यही
होप करती हूँ कि आप सभी का रिजल्ट जो है गाइस पॉजिटिव ही आए, ठीक है ना। मेरी दुआएं जो है आपके साथ है। और अब जो है, अब आप जिनको आंसर की अपनी जो है सही लग रही है मिलाने के बाद, और पूरा भरोसा है कि हमारा टायर वन जो है सही गया है और नॉर्मलाइजेशन के थोड़े नंबर मिलके हम जो है पास हो जाएंगे, तो गाइज़ वो टायर टू की जो है एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दे। और जो आंसर की को मिलाने पर ही फेल हैं तो वो दूसरे एग्ज़ाम का जो है फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम नहीं होता, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। ट्रिपल सी का भी जो है बहुत सो में सर्टिफिकेट मांग लेते हैं मेरे चैनल पर, तो गाइज़ आपको ट्रिपल सी ओ लेवल सभी चीज़ की जो है जानकारी मिल जाएगी। ओ लेवल का भी काफ़ी अच्छा जो है एक प्रोसीजर है, अपना अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि ओ लेवल कैसे होता है या ट्रिपल सी कैसे होता है, यूपी ट्रिपल एस सी क्या है, इतनी सारी वीडियो आपको गाइस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप जो है कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मेरे चैनल पर कराई जाती है, चाहे आपका ट्रिपल सी हो, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीएससी हो, सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी अगर आप इनकी नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है ना। और ओ लेवल की भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है ना, जब आपका रिज़ल्ट जो है आउट हो जाएगा तो मैं बताऊंगी आपका स्कोर कार्ड को लेकर क्या रहा, तो तब आऊंगी। अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।